घना काला अंधेरा है और शायद यही है घर जहाँ फ्रैंकलिन रहता है। चलो देख के आते हैं वो कर क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ जॉब यहाँ पे नहीं होगा। चलो चलो चलो। अच्छा जॉब तो लगता है ऊपर शिनचैन के रूम में सो रहा है। खैर कोई बात नहीं, जरा देखूँ तो ये फ्रैंकलिन क्या है। अच्छा वो वहाँ सो रहा है। अरे कहीं वो मुझे देख ना ले। अरे गाइस मैंने सुना कि कोई है यहाँ पे। अच्छा रुको तो अभी बताता हूँ उसे। चल 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 इसके अंदर से जल्दी से चल। फ्रैंकलिन कैसे हो? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये ले फ्रैंकलिन। अरे कौन है, क्या चाहिए तुमको? अरे इसको तो समझ में नहीं आ रहा है। रुको तो अभी बताता हूँ तुझे। फ्रैंकलिन ये लो। अबे यार ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा। उठ जा फ्रैंकलिन वरना तेरे को भी सबक सिखाती हूँ। अबे यार ये ऐसे नहीं मानेगा। रुको तो अभी बताती। ये ले और खाएगा दिमाग। ये ले। अबे ये क्या कर रही है? अबे ये मुझे काहे मार रहा है या मार रही है, समझ में नहीं आ रहा। बेहोश कर दिया इसको। चलो अब जल्दी से जाके देखती हूँ वो शिनचैन कहाँ छुपा है। एक बार शिनचैन मुझे मिल जाए तो उसको पकड़ना है। शिनचैन कहाँ हो तुम? यार वो तो शिनचैन इसी घर में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, ऊपर का कमरा कब कम आएगा, यहीं कहीं शिनचैन छुपा होगा। ओ शिनचैन तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो मैं तुम्हें आऊँगी पकड़ लूँगी। शिनचैन कहाँ छुपे हो तो? और वो जॉब कहाँ है वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक बार दोनों लोग मिल जाए तो मेरा समझो काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे उन्हें खोजना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से खोजता हूँ उसको। ओके भाई सुबह हो गई लेकिन मेरी कमर में क्यों दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। गाइस यार जब मैं सो रहा था ना ऐसा लगा कि कोई मेरी पिटाई करके चला गया। कब समझ में नहीं आया कि वो लड़का था कि लड़की, अजीब लग रहा था। कभी वो मैं बोल रहा था कभी मैं बोल रही थी, ऐसे कुछ कर रहा था। लेकिन यार वो काफ़ी डरावना था, शायद कोई मैंने बुरा सपना देखा था यार। खैर कोई बात नहीं, आओ शिनचैन चलो टहलने चलते हैं। अबे शिनचैन, अबे शिनचैन कहाँ हो तुम? ओ नो शिनचैन, यार ये शिनचैन कहाँ चला गया? चॉप, अबे शिनचैन चॉप, ये लोग मेरे बिना टहलने चले गए? टाइम देखो तो, हाँ उससे टाइम तो हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यार ऐसे कैसे वो लोग जा सकते हैं? नहीं यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक मिनट बगल वाले घर में जाके देखता हूँ, शिनचैन ज़रूर उधर होगा। पड़ोसी से आजकल उसकी खूब बातचीत चलती है। चलो देख लेता हूँ एक बार मैं गाइस कि शिनचैन वहाँ पे है कि नहीं। अरे मैं पेड़ पे कहाँ अटक गया, अभी निकलो यहाँ से जल्दी से। ओके पड़ोसी तो लेकिन 2 दिन से घर से बाहर गए हैं। ओपे मुझे तो लग गई गाइस यार, देख के नहीं चलाते क्या? ओके यार शिनचैन पता नहीं कहाँ चला गया। अब मुझे शिनचैन को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। गाइस यार अगर आपको भी लगता है कि शिनचैन गायब हो गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए सेव शिनचैन, ठीक है गाइस यार? ये जल्दी कीजिए गाइस यार, अगर आपको भी लगता है कि अपना शिनचैन जो है वो गायब हो गया है। ओ नो गाइस यार अगर शिनचैन सही में गायब हो गया तब तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। पहले तो मुझे जाना पड़ेगा और शिनचैन का पता लगाना पड़ेगा, लेकिन शिनचैन का पता लगाया कैसे जाए? एक काम करता हूँ, चलता हूँ मैं पहले लिटिल सिंघम से मिल लेता हूँ। लिटिल सिंघम से मिल के उससे हेल्प मांग लेता हूँ। चलो 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 चलो, एक मिनट मुझे आपकी कार चाहिए, मैं आपकी कार वापस करूँगा बाद में। ओके गाइस यार हम लोग यहाँ से चलते हैं और लिटिल सिंघम के पास। एक मिनट लेकिन लिटिल सिंघम तो शहर से बाहर है यार। ओ नो गाइस यार अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं शिनचैन को टाइम से बचा लूँ तो आप लोग यार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, एवेंजर्स से मिलने का। तो गाइस यार हम लोग को जल्दी से चलना पड़ेगा, एवेंजर्स से मिलना पड़ेगा और देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइस यार बिना रुके हम लोग चलते हैं एवेंजर्स के पास। उसके बाद यार देखते हैं हम लोग का मिशन कम्प्लीट हो पाता है कि नहीं। हाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, आखिर वो लोग शिनचैन को कहाँ ले गए होंगे? खैर कोई बात नहीं, मैं उसका पता बहुत जल्दी लगा लूँगा। बस एक बार मैं एवेंजर्स के पास पहुँच जाऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। एवेंजर्स ने एक नया लोकेशन पे कर लिया है, मैं उनसे जाके अभी बात करता हूँ। गाइज अगर डोरेमोन होता ना तो मेरा हेल्प बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन डोरेमोन भी नहीं है ना ही लिटिल सिंघम है, तब तो भाई बस एवेंजर्स बचे हैं जिनसे मैं उनकी हेल्प मांग सकता हूँ। तो चलो गाइज अब बिना रुके हम लोग एवेंजर्स के यहाँ चलते हैं, उसके बाद उनकी हेल्प मांगते हैं। ओ भाई क्या हो रहा है,
संभल के भैया ये कार कैसे चल रही है। चलो 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 यहाँ से चलो। ओके गाइस, वो सामने देख लो गाइस यार, वो है अपने एवेंजर्स का मैंशन, और यहाँ से हम लोग घुस गए हैं अंदर। ओके उम्मीद करता हूँ गाइस यार एवेंजर्स होंगे घर पे। गाइस यार ये घर वैसे ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफी सुंदर लग रहा है गाइस यार। ओके टोनी अंदर ही होगा। चलो जल्दी से गाइस यार हम लोग चला जाए और देखा जाए कि क्या आज टोनी हम लोग की हेल्प करेगा कि नहीं। ओ ये सब क्या हो रहा है यार, ये तो कोई खास वॉच लग रही है। अरे टोनी ये तुम क्या कर रहे हो। अरे यार फ्रैंकलिन मैं ये प्रोटोटाइप बना रहा था। क्या कहा प्रोटोटाइप, वो क्या होता है। मतलब कि एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जो अभी टेस्टिंग में चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो ये इससे होता क्या है। अरे फ्रैंकलिन अगर तुम ये वॉच अपनी वॉच के अंदर लगा लोगे ना, तो तुम कोई भी सुपर हीरो बन सकते हो। ये तो बेंटन जैसा हुआ, जैसे बेंटन कोई भी एलियन बन जाता है वैसा ही कुछ क्या। हाँ फ्रैंकलिन वैसा ही कुछ, लेकिन ये वॉच अभी टेस्टिंग फेज में है ना, तो ये तुम सुपर हीरो बन जाओगे, लेकिन अगर अपने आप फिर नॉर्मल फ्रैंकलिन बन जाओगे। इसमें कुछ टाइम लिमिट भी है, तो कि मुझे अभी ठीक करना है। वैसे बताओ तुम क्यों यहाँ पे आए हो। अरे यार टोनी क्या बताऊँ, शिनचैन और चॉप कल रात से गायब है। पता नहीं कौन अजीब सा चीज़ आया था, पहले तो मेरी पिटाई कर दी, तो मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन फिर अगले ही सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि शिनचैन और चॉप नहीं है। तो यार क्या मैं तुम्हारी ये वॉच ले सकता हूँ। अरे फ्रैंकलिन यार बात को समझो मेरे भाई, ये वॉच अभी टेस्टिंग में चल रही है, यानी कि ये वॉच सही समय पर सही सुपर हीरो लाएगी कि नहीं लाएगी ये कोई नहीं बता सकता। यानी कि ये वॉच अभी 80% कंप्लीट हुई है। अब उन्हीं यार मैं कुछ नहीं जानता यार, मुझे अभी शिनचैन को बचाना है, तो मुझे ये वॉच चाहिए। अच्छा ठीक है चलो यार, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो तुम ये वॉच ले जा सकते हो, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मुझे मत कहना, ठीक है। हाँ हाँ तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा मैं। चलो गाइस यार ये वॉच मैं ले लेता हूँ जल्दी से, कि यहाँ से ये करके और इसको अपने वॉच में लगाऊंगा मैं जल्दी से। इसके बाद गाइस हम लोग जल्दी से चलते हैं। ओके चलो चलो चला जाए। अब गाइस ये टेस्ट करना है, तो पहले मुझे कोई सुपर हीरो बनना पड़ेगा। तो सबसे पहला सुपर हीरो मैं क्या बनूँ समझ में नहीं आ रहा है यार। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ। ओके गाइस यार मैं समझ गया कि मुझे कौन सा सुपर हीरो बनना है। गाइस यार मुझे बचपन से ही ना उड़ने का बहुत शौक था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वॉच से मैं सुपरमैन बनने की कोशिश करूँ। देखता हूँ कि मुझे सुपरमैन बना पाता है कि नहीं। ये मैं क्या बन गया भाई यार, ये तो सुपरमैन बनना था, मैं गोकू बन गया भाई, आधा सुपरमैन आधा गोकू। यार मुझे टोनी से बात करनी पड़ेगी, ये वॉच में तो सही में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गाइज आप लोग भी देख सकते हो। अरे वाह उड़ तो मैं रहा हूँ गाइज यार, लेकिन एक बार जाके टोनी से बात कर लेता हूँ। अबे टोनी ये तुमने मुझे कैसी वॉच दे दी, ये देखो मुझे क्या बना दिया। अरे फ्रैंकलिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये वॉच अभी ठीक नहीं है, टेस्टिंग चल रही है इसकी। देखो तुम आधा सुपर हीरो बने हो, थोड़े से सुपरमैन थोड़े से गोकू, समझे कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये वॉच मुझे दे दो, मैं इसे ठीक करूंगा। उसके लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे शिनचैन को हर हालत में बचाना है, तो मेरी बात समझ नहीं रहे हो। ओके गाइजर कोई बात नहीं, अगर मैं सुपर हीरो बन गया हूँ तो यार सुपरमैन आधा गोकू से ही काम चलाना पड़ेगा। तो पहले मैं काम करता हूँ गाइस, शहर का एक चक्कर लगा लेता हूँ, और अगर मुझे कुछ चीज़ दिखाई देती है तो मैं देखता हूँ कि आखिरकार शिनचैन मिलेगा कि नहीं। ओके गाइजर शहर को सही से देखने के लिए गाइजर मैं जाता हूँ मेज बैंक की बिल्डिंग पे, जो कि GTA की शायद सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अब यहाँ से मैं अपने दूर दूर तक नजरें दौड़ाऊंगा और पता लगाऊंगी कि शिनचैन है भी कि नहीं। भाई यार ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा यार, और तब मुझे यार कोई और सुपर हीरो बनना पड़ेगा। गाइस क्यों ना मैं फ्लैश बन जाऊँ गाइजर, क्योंकि फ्लैश बनने से क्या होगा ना गाइजर, फ्लैश एक बार में बहुत तेजी से दौड़ेगा और पूरे शहर का चक्कर लगा लेगा, जिससे अगर कहीं भी शिनचैन को रखा होगा या चौप कर रखा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन जरा अपनी पावर्स टेस्ट, मैं ये कैसे मान लूँ कि मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पास ताकत भी है, तो एक बार मुझे अपनी ताकत भी टेस्ट करनी चाहिए। तो गाइस यार पहले मैं इसको उठा लेता हूँ। अभी ये क्या, मैंने तो सही में इसको उठा लिया। ओके धीमे से रख देता हूँ। अरे वाह यार ये तो सही में काफी कमाल की ताकत है। तो चलो गाइस मैं समझ गया हूँ, और क्या मैं उड़ के एरोप्लेन के पास तक जा सकता हूँ। चलो देखते हैं गाइस यार, वैसे यार मुझे गोकू की पावर्स भी चाहिए यार, पता नहीं गोकू की पावर्स काम करेगी कि नहीं। लेकिन यार मेरा ध्यान तो कहीं और ही जा रहा है गाइस यार, मैं ये सब चक्कर में शिनचैन और चौप को तो भूल ही गया। मुझे जल्दी से जाके उनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि
यार बहुत सारी पावर्स की टेस्टिंग हो गई है, जल्दी से मैं पहुंचता हूँ और शिनचैन और चॉप को बचाता हूँ। ओके गाइस यार, वैसे ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बताए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को गायब करके लाया जाता है, तो मैं एक बार इन सब कंटेनर में पता लगा लेता हूँ कि कहीं शिनचैन और चॉप को गायब तो नहीं किया गया। ओके यहाँ पे तो कुछ नहीं है, उधर भी देख लेता हूँ। नहीं गाइस, यहाँ पे तो उन लोगों को नहीं गायब किया है, क्योंकि अगर उन लोग यहाँ पे गायब होते ना गाइस तो मुझे पता चल जाता। लेकिन यार एक बार इस शिप के अंदर भी मैं देख ही लेता हूँ गाइस, यार इस शिप के अंदर किसी को तो नहीं पकड़ा गया। चलो 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 देखा जाए। अरे प्लीज मुझे जाने दो। अबे यार ये तो किसी की आवाज जानी पहचानी लग रही है, मैंने कहा ना मुझे जाने दो भाई। नहीं तो ये आवाज तो केको की है भाई। ये रहा अपना केको। अबे केको इतनी दूर यहाँ पे कैसे आ गया भाई, ये कौन है? अरे तुम लोग कौन हो? अबे केको मैं हूँ फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन भाई आप कैसे लग रहे हो? अरे पहले यार मुझे इससे पूछना है कि केको को यहाँ पे कैसे लाया, मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। अबे तब जाओ यहाँ से। अबे केको तुम ठीक हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई मैं ठीक हूँ। अबे यार तुम कैसे गायब हो गए? अरे कल रात में मुझे कोई यहाँ पे ले आया और मुझे शिप से कहीं ले जा रहा था। अच्छा क्या तुमने शिनचैन और चॉप को भी देखा है? अरे नहीं फ्रैंकलिन भाई मैंने शिनचैन चॉप को तो नहीं देखा यार। अब पे यार तो केको को इसने गायब किया तो क्या वही आदमी है जो शिनचैन और चॉप को गायब किया होगा? गाइस इसका पता तो मुझे बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा गाइस। चलो गाइस हम लोग स्पीड में चलते हैं। मैं तो उससे हेल्प मांगने, लेकिन तभी अचानक इस घड़ी ने मुझे बना दिया मिनी कोकू। अब यार इस मिनी कोकू से क्या ही होगा यार, लेकिन कहा जा रहा है कि यार ये वैसा ही काम करता है जैसे कि बड़ा गोकू काम करता है, तो क्या अभी तो ये काफी अच्छी तरीके से उड़ रहा है, लेकिन यार इससे मैं क्या ही करूंगा। चलो यार इसकी पावर्स भी एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही से काम करता है कि नहीं। ओके यार मुझे शिनचैन और चॉप की बहुत याद आ रही है, लेकिन यार केको ने भी मुझे कोई खास क्लू नहीं दिया कि ये शिनचैन और चॉप मुझे कहाँ मिल सकते हैं। तो गाइजर एक ही तरीका है पता लगाने का, वो है गाइजर ग्रैनी का घर। तो गाइजर अगर मैं ग्रैनी के घर चला जाऊँ और मेरे पास ये मिनी गोकू की पावर्स भी है जो कि अभी मुझे वॉश से मिली है, तो शायद कुछ हो सकता है। ओ भाई ये मैंने क्या देखा गाइज, आपने भी देखा क्या? यार तब तो ये ताकत से मैं ग्रैनी के घर आराम से जा सकता हूँ। चलो गाइज यार तो मिनी कोकू को लेके ग्रैनी के घर चलते हैं, और यार इस बार एक बार में दो काम हो जाएंगे। आप लोग को तो पता है कि ग्रैनी मेरी कितनी पुरानी दुश्मन है, तो ग्रैनी को भी गाइज हम लोग सबक सिखा देंगे ऊपर से गाइज, उसके बाद हम लोग अगर शिनचैन लोग वहां होंगे तो उसको भी बचा लेंगे। तो गाइज यार सबसे पहले मुझे ग्रैनी का घर खोजना पड़ेगा, और यार गोकू की स्पीड तो यार सुपरमैन की स्पीड से भी ज्यादा तेज लग रही है गाइज यार, जो मैं सुपरमैन गोकू बना था उसके बाद यार मिनी गोकू बन गया। ओके यार मुझे तो बहुत जल्दी ग्रैनी के एरिया पे पहुंचा दिया इसने। चलो गाइज यार आओ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ग्रैनी है भी कि नहीं। गाइज देख रहे हो ये वाला एरिया, यही है जहाँ पे गाइज यार अपनी ग्रैनी रहती है। और यार मुझे एक बार पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ये ग्रैनी कुछ ना कुछ घपला उपला किए कि नहीं। ओ भाई गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, अबे गाइस आपको भी दिखाता हूँ भाई, ग्रैनी का घर तो एकदम खराब हो गया गाइस यार, ये तो बिल्कुल ठीक था भाई, ये कैसे हो गया? अबे गाइस यार ये घर तो एकदम ठीक था, अचानक से इतना खराब कैसे? गाइस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब इस घर की हालत तो देखो, यहाँ ग्रैनी क्या कोई नहीं रह सकता अब तो। हाँ यार कौन है यार जो ये ग्रैनी का घर ऐसा किया गाइस यार, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, ग्रैनी अब किसी और घर में रहती होगी। अब यार मैं जीटीए में तो मैं ग्रैनी का यही घर जानता था, अब यार मैं क्या करूं गाइस यार समझ में नहीं आ रहा। गाइस यार अब तो मुझे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और चक्कर लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ग्रैनी कहाँ है। लेकिन एक मिनट गाइस यार, गोकू के पावर्स तो हम लोग ने काफी ज्यादा टेस्ट कर लिया है, लेकिन अब हम लोग को टेस्ट करना है फ्लैश की पावर्स। तो मेरी घड़ी में फ्लैश वाला आइकन दिखा रहा है, तो एक बार गाइजर हम लोग उसकी भी पावर्स टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो फ्लैश सही से काम करता है कि नहीं। तो गाइजर आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग फ्लैश वाली ताकत टेस्ट करने वाले हैं। गाइज ये हुई ना बात, गाइजर फिर से गड़बड़ हो गया। देखो गाइजर मैंने कहा ना इस घड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर गाइजर फ्लैश जब दौड़ता है ना तो उसकी जो लाइटनिंग होती है वो रेड कलर की होती है, पता नहीं ये कौन से कलर की लाइटनिंग मिल गई है। गाइस यार इस पावर से यार देखिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। ओके तो काफी तेज दौड़ रहा है भाई, ये कौन सा एरिया है गाइस? यहाँ तो यार एक मिनट यहाँ पे चल के देखते हैं। ओके
ओ भाई ये मैंने किया क्या? मैंने एक बार में कार को उड़ा दिया, लेकिन गाइस यार यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं मिल रहा यार। यार आखिरकार सब लोग गए कहाँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं गाइस यार, इससे हम लोग पता लगा लेंगे और देखते हैं कि आखिरकार ये फ्लैश क्या कर पाता है। चलो गाइस हम लोग फ्लैश को लेके चलते हैं। अरे टोनी का फोन आ रहा है। फ्रैंकलिन सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम ये घड़ी ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितनी देर तुम ये घड़ी यूज करोगे। हेलो, अरे फोन कट गया। अबे टोनी पूरी बात तो बता, जितनी देर घड़ी यूज करूंगा उसके बाद क्या? अरे यार टोनी का फोन क्यों कट गया? अबे ये क्या हो रहा है? अभी तो फ्लैश की ताकत कम हो रही है भाई साहब। अबे यार अभी तो बहुत तेज दौड़ा था, अब क्या हो गया इसको? ओ नो गाइस, यार लगता है टोनी ये कहना चाहता था कि जितनी देर हम लोग इसकी पावर्स को यूज करेंगे उसके बाद इसकी पावर्स कम होती रहेगी। यानी कि जैसे बेन 10 की वॉच है ना गाइजर, जैसे उसे चार्ज होना पड़ता है, वैसे इस घड़ी के साथ भी है कि अगर हम लोग इस घड़ी को लंबे समय तक यूज करना है तो हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर पे छोड़ना पड़ेगा ताकि चार्ज हो जाए। भाई ये कैसी अजीब सी डरावनी घोपा है यार। गाइजर एक तो फ्लैश की पावर्स कम हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से डरावनी घोपा। भाई कहीं मॉन्स्टर वॉस्टर ना हो, क्योंकि अभी तो मेरे पास पावर्स भी नहीं है। भाई यार ये कैसी गुफा थी। खैर कोई बात नहीं गाइजर, हम लोग इस बोट पे बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि गाइजर अभी तो यार मेरे पास पावर्स तो है नहीं और ये घड़ी को भी चार्ज होना है तो हमें बोट से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो 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 चलो, ओके। भाई ये क्या, ये बोट से पावर्स निकाल रहा है क्या? अभी तो फ्लैश की पावर्स थी, अभी गो की पावर्स कैसे आ गई? गाइज यार देखा इस घड़ी में प्रॉब्लम? गाइस अभी आपके सामने देखो ये, इसके पास फ्लैश की पावर्स थी, अब फ्लैश की भी पावर्स है और गोकू की भी पावर्स आ गई। गाइस यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गाइस इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो गाइस यार अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग फ्लैश की पावर से स्विच होके आयरन मैन की पावर्स का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यार आयरन मैन की पावर्स से हम लोग थोड़ा बहुत पता लगा लेंगे कि आखिरकार उन्होंने शिनचैन को कहाँ बंद किया हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो शायद हम लोग शिनचैन को बचा पाएंगे। चलो ठीक है गाइस यार, ओके। गाइस यार वहां पे एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है, वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा। आयरन मैन के पावर्स देख लेते हैं। भाई देखो फिर से गड़बड़ी इस घड़ी में। गाइस देखो आयरन मैन के पावर्स तो मुझे मिल गई है, लेकिन यार फ्लैश का सूट ही है। यार टोनी ने सही कहा था इस घड़ी में प्रॉब्लम है, लेकिन यार तब भी मेरा काम तो थोड़ा बहुत तो चल ही जा रहा है। ओके गाइस यार यहाँ पे किसी न किसी को तो पकड़ के रखा क्या है, बस मुझे एक बार पता लगाना है कि आखिरकार वो बंदा या बंदी कौन है जिसे पकड़ के रखा गया है। ओके तो एक बार मैं ऊपर से चलता हूँ। भाई साहब ये सूट भी इतना तेज नहीं उड़ पा रहा है, लेकिन यार यहाँ से दिखता। भाई ये लोग कौन है यार? अभी यार ये देखो गाइस, ये तो अपना कजामा है। अबे कजामा यहाँ पे कैसे? अरे प्लीज मुझे जाने दो भाई। अबे कजामा तुम ठीक हो कि नहीं? अरे क्या फ्रैंकलिन भैया हो? अबे हाँ यार मैं फ्रैंकलिन हूँ, ये मेरा नया सूट है। अरे लेकिन फ्लैश के सूट में आयरन मैन की ताकत कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, तुम पहले ये बताओ क्या तुम यहाँ पे अकेले हो? शिनचैन है क्या? अरे शिनचैन को तो वो लोग कहीं और ले गए हैं। क्या कहा यानी तुम आज शिनचैन से मिले थे? हाँ मैं मिला था शिनचैन और चॉप से, उसे नैनी और मसाओ वो लोग को कहीं और ले गया है। अबे यार ये लोग कहाँ ले गए शिनचैन को? खैर यार इन लोग से पूछता हूँ। भाई देखो मैं तुम लोग को कुछ करना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग बस मुझे इतना बता दो कि शिनचैन और नैनी मसाओ ये सब लोग कहाँ है, मैं तुम लोग को जाने दूंगा। अबे चल आगे बढ़ चोकर कहीं के। भाई यार ये लोग तो ऐसे नहीं मानने वाले, इन लोग को तो सबक सिखाना पड़ेगा। चलो ठीक है यार इन लोग को सबक सिखाता हूँ। ओके भाई ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, अबे इधर से आता हूँ। अबे वाह मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा। चलो 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 इन लोग को बताता हूँ। ये ले भाई और तू भी खाएगा। चल 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 ले। ओके ओके ओके, ओके। ये वाला भी गया और ये भी गया। चलो ठीक है गाइस यार सबको सबक सिखा दिया। भाई तेरे को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, तू बता दे कहाँ है। ओके यार ये भी नहीं सुनने वाला है, ये भी गया। चल भाई तो सबको यार सबक तो सिखा दिया, भाई एक बंदा और बचा है, इसको तो किसी दूसरे तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा, ये जेरिको से। ओके ये गया। ओके कजावा इन लोगों को तो मैंने सबक सिखा दिया, तुम नीचे आ जाओ। भाई इसमें तो तेल गिर रहा है। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, गजब की टेक्नोलॉजी है टोनी स्टार्क की। अरे फ्रैंकिन भैया ये तो मुझे भी नहीं पता वो लोग उसे कहाँ ले गए हैं, लेकिन वो लोग कोई स्पेसशिप की बात कर रहे थे। क्या कहा? स्पेसशिप की बात? अबे वो लोग एलियन वेलियन है क्या? पता नहीं फ्रैंकिन भैया, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है
कि वो लोग शिनचैन चौक को कहीं दूर ले गए। ठीक है, मैं समझ गया कजामा, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। ओके गाइजर, हम लोग को कजामों को यहाँ से ले चलना है, और उसके बाद गाइजर हम लोग को कजामों को घर छोड़ देना है। अरे फ्रैंकिन भाई, ये कैसे ले जा रहे हो? ये कजामा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे छोड़ो, मैं यहाँ से ऑटो कर लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, कजामा को वहाँ पर रखते हैं ताकि वो ऑटो कर ले, और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो ठीक, कजामा को हम लोग वहाँ पर छोड़ दिए। अब हम लोग को इतनी स्पीड से गाइजर उड़ना पड़ेगा भाई साहब। फिर से नहीं नहीं गाइजर, फिर से इसका बैटरी डूबने लगा गाइजर। लेकिन अगर वो लोग स्पेसशिप के बारे में बात कर रहे थे तो वो लोग जरूर कोई खुली जगह पे होंगे। तो खुली जगह में से यार गाइस, मुझे दो तीन जगह याद है, जैसे कि सैंडी श्योर एयरफील्ड, और ये भी सब बहुत सारी जगह याद है। तो एक बार आप लोग को वहां पे चल के देखना पड़ेगा। और पे आयरन मैन का ट्रेन रुक पाता है कि नहीं? भाई साहब, ट्रेन में तो आग लगा दी आयरन मैन ने, लेकिन ट्रेन नहीं रुक पाया। यहाँ पे ट्राई करते हैं। और पे यार, ये ट्रेन को तो रोकते इम्पॉसिबल है आयरन मैन के लिए भी। चलो चलो एक बार और ट्राई करते गाइस। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं फाइनली गाइस। अगर हम लोग इस ट्रेन को रोक लेंगे तो ये टोनी का सूट तो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। ओ भाई नहीं भाई, टोनी का सूट अभी, यार टोनी की वॉच इतनी पावरफुल नहीं हुई कि ट्रेन को रोक पाए। गाइस ट्रेन को सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है गाइस यार, वो है सुपरमैन और हल्क, और कोई नहीं गाइस यार जीटीए में मेरे हिसाब से ट्रेन को रोक पाता है। देखो टोनी ने इतना सारा पावर्स यूज किया ट्रेन के ऊपर, लेकिन वो घंटा नहीं रोक पाया। चलो गाइस यार, अब हम लोग को चलना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार वो लोग कौन सी स्पेसशिप की बात कर रहे थे। गाइजर अगर वो लोग स्पेसशिप की बात कर रहे थे तो यार मुझे जादू से भी एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक बार चलो, एक बार हम लोग जादू से जाके मिल लेते हैं, शायद वो हम लोग की हेल्प कर दे। क्योंकि यार जादू तो उस समय दिन का समय है, वो हम लोग की हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उसकी पावर्स काम करती है। चलो जितनी जल्दी हो सके हम लोग को जादू के पास जाना है। और फिर से नहीं गाइजर, इसकी बैटरी फिर डाउन हो गई। गाइजर ये वॉच में क्या प्रॉब्लम आ गई यार। टोनी ने सही कहा था कि अब ये वॉच ऐसे नहीं काम करेगी, अब तो मुझे किसी कार लेनी पड़ेगी। ओके चलो चलो चलो, मुझे अपनी कार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। चलो जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से चलते गाइजर। चलो 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 भाई, कार के अंदर से मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं यार, कुछ नहीं कर सकता हूँ। जल्दी हो सके स्पेसशिप बुलाओ, हम लोग को इन बच्चों को ले जाना है। जरा सुनिए, क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? ओ यार, सुबह से बच्चे ने मेरे दिमाग खराब किया है। पूछो बच्चे, आप दीदी हो कि भैया? अपना मुंह बंद रखो यार, क्या अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनी हो। खैर कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो ये तो क्लियर करो। हम लोग तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी दुनिया में हम लोग की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो तुम लोग को हम लोग अपने जैसा बना के अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। चलो मैं तो आपके जैसा बन जाऊंगा, लेकिन ये चौक भी बन जाएगा। बच्चे तुम्हें हमारी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी चाहे इंसान हो चाहे जानवर, किसी को भी हम लोग जैसा बना सकती है। यकीन नहीं आता? तो चलो नैनी बोचैन को बना के दिखाती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पहले हम लोग को अपनी दुनिया में ले जाइए, उसके बाद आराम से बनाइएगा। यही सही रहा, बस किसी भी पल हम लोग की स्पेसशिप आती होगी, उसके बाद हम लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। फिर तुम कभी भी अर्थ पे नहीं आ पाओगे। और फ्रैंकलिन को तो भूल जाओ। पहले मैं सोची कि फ्रैंकलिन को भी ले चलूँ, उसे भी अपने जैसा बना दूँ, लेकिन वो तब बेवकूफ लग रहा था। हाँ, आपकी बात पे तो दम है। ये बच्चा बहुत बोलता है लेकिन अच्छा है। लेकिन दीदी एक बात बताओ, आप क्या है बच्चे? क्या मैं आपके जैसा बोलने बनने के बाद ऐसे ही बोल पाऊंगा जैसे पहले बोलता था? नहीं, तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरी आवाज जैसी हो जाएगी, जैसे मैंने अपनी बाकी कॉपी बनाई है। अरे नहीं, मुझे अपनी आवाज बहुत पसंद है, मैं किसी अजीब से एलियन की आवाज नहीं बनना चाहता। चलो ठीक है, बताओ स्पेसशिप आने में कितना टाइम है? बस वो किसी भी पल आती होगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यही सही रहेगा। मैं मुझे डर है कहीं वो फ्रैंकलिन हम लोग के पास ना पहुंच जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जगह के बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग जीटीए के बिल्कुल कोने में हैं। और यहाँ पे फ्रैंकलिन तो क्या कोई भी एवेंजर्स जस्टिस लीग भैया आप यहाँ पे? अरे हाँ जादू यार, मुझे तुमसे मदद चाहिए, क्या तुम मेरी दो टाइप की मदद कर सकती हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, धूप निकली है, आप जो बोलिए मैं आपके लिए करूंगा। जादू, पहली बात तो तुम अपने जादू की मदद से मुझे किसी तरह शिनचैन की खुफिया लोकेशन बता दो, जहाँ शिनचैन गायब हुआ है। क्या कहो, शिनचैन गायब हो गया? ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुरंत कुछ करता। अरे हाँ जादू, मुझे पता है तुम कर लेते। और दूसरी चीज़ ये, जो आयरन मैन ने मुझे घड़ी दी है जिससे मैं कुछ भी बन सकता हूँ, तुम इसे किसी तरह अपने जादू से ठीक कर दो। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मैं आपके लिए ये दो काम कर दूंगा, लेकिन
आप कहे तो मैं भी आपके साथ मिशन पे चलूं। हाँ बिल्कुल चलो यार जादू, लेकिन हम लोग चलेंगे कैसे? अरे फ्रैंकलिन भैया, मेरे पास एक कमाल की चीज़ है, हम लोग उसी से चलेंगे। ओके ठीक है गाइस, यार जादू के पास लगता है कोई कमाल की चीज़ है, और देखते हैं घड़ी ठीक हुई कि नहीं। ओके जादू, अब तुम बताओ ये घड़ी काम करेगी? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये घड़ी मैंने ठीक कर दी है, ये बिल्कुल काम करेगी। चलो फिर गाइस यार चलते हैं। ओ भाई ये क्या, जादू ने तो खुद की अपनी स्पेसशिप ले आई। अरे भाई यार ये तो सही में काफी कमाल की है। तो ये जादू हम लोग इसी से जाएंगे? हाँ फ्रैंकलिन भैया, हम लोग इसी से जाएंगे। अरे गजब यार, ये तो सही में बहुत अच्छी है। चलो गाइस यार देखते हैं, इसमें तो जेट अंदर लगी हुई है। अरे गजब, जरा देखो तो ये स्पेसशिप को कितनी कमाल की है। फ्रैंकलिन भैया बताओ आपको ये स्पेसशिप अच्छी लगी? अरे बिल्कुल सही कहा जादू, ये स्पेसशिप तो मुझे बहुत पसंद आई। जरा देखो गाइस यार, अब इस स्पेसशिप की मदद से हम और जादू जल्दी जाके शिनचैन का पता लगा लेंगे। चलो शिनचैन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम और जादू बहुत तेजी से आ रहे हैं। गाइस आप लोग भी देखना हम लोगों का काम कितनी अच्छी तरीके से होता है। चलो 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 जादू, वैसे यार तुम बताओ वो लोग कहाँ गए हैं? फ्रैंकलिन भैया, जहाँ तक मैं अपना दिमाग पढ़ के बता पा रहा हूँ, वो लोग यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, बस हम लोग को पहुँचना है जल्दी से। ओके हम लोग समझ गए गाइस यार, हम लोग को क्या करना है। और यार जादू तुम्हें मेरी मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अरे फ्रैंकलिन भैया आप क्या कर रहे हो, आप मेरे पास सुबह आ जाते ना तो आपको ये आयरन मैन की वॉच की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपका काम ऐसे ही कर देता। हाँ जादू मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ यार, कि तुम मेरा काम बहुत सही तरीके से कर देते, लेकिन कोई बात नहीं। इससे क्या हुआ गाइस यार, हम लोग को टोनी स्टार्क की घड़ी यूज करने का मौका तो मिला, जिससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया वो सब बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग को जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि उनकी भी स्पेसशिप आने वाली है। क्या कहा? अच्छा हाँ मैं तो भूल गया था कि वो लोग भी अपनी खुद की स्पेसशिप लाने वाले हैं। ठीक है जादू, बस हम लोग वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, उसके बाद काइजर हम लोग उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन तुम लोग उन एलियंस को जानते हो कि आखिर वो लोग है कौन और क्या चाहते हैं? फ्रैंकलिन भैया हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो लोग बहुत ही खतरनाक एलियन है, और उन लोग का एक मोटिव है। हाँ बताओ जादू उनका क्या मोटिव है? फ्रैंकलिन भैया वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपने जैसे लोगों को और बनाए, क्योंकि उनके ग्रह पे पॉपुलेशन खत्म हो गई है। ओह तो ये बात है, कोई बात नहीं काइजर, हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वहां पहुंच गए हैं और जादू स्पेसशिप लेके बाहर खड़ा है, क्योंकि जादू नहीं चाहता कि स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाए। और जरा मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई यार यहाँ तो इतने लोग हैं यार, यानी ये लोग कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार शिनचैन को उसने कहाँ छुपाया है, लेकिन मुझे शिनचैन का पता लगाना ही पड़ेगा, वो भी हर हालत में। चलो चलो मैं कुछ सोचता हूँ और शिनचैन का पता जल्दी से लगा लेता हूँ। ओके ओके लेकिन गाइस यार मैं तो भूल गया था एक बात, कि जादू ने मेरी वॉच को तो बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो गाइस आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या सोच रहा हूँ? गाइस बस मुझे अपनी वॉच पहननी है और एक बहुत बढ़िया सुपर हीरो बनना है जो कि इन सबको सबक सिखा दे। तो गाइस यार वॉच मैं कौन सी पहनूँ, यानी कि मैं कौन सा सुपर हीरो बनूँ, ये सबसे बड़ी बात है। गाइस यार इनको हराने के लिए तो मुझे लगता है कि मुझे बनना चाहिए, गाइस बस सोच रहा हूँ ना कि मैं बन जाऊँ गोकू या फिर गाइस घोस्ट राइडर बन जाओ। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं क्या बनूँ, समझ में नहीं आ रहा। चलो गोकू ही बन जाता हूँ। गाइस ये हुई ना बात, अब चाहता हूँ इन लोगों को सबक सिखाने। अरे ये कौन है? ए मैं तुम लोग से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शिनचैन कहाँ है बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन शिनचैन? उसको तो मैंने दूसरे ग्रह भेज दिया। मजाक कर रहे हो तुम लोग? अभी इसको बता दो गाइसर। चलो अरे तुम लोग की इतनी हिम्मत पे यार, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा काइजर, इन लोगों को बताना पड़ेगा। अबे जादू वो लोग शिनचैन को सही में कहीं ले गई है क्या? अरे अरे फ्रैंकलिन भैया आप परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ। ओके ओके काइजर जादू के स्पेसशिप से शिनचैन की स्पेसशिप को पकड़ने, और मैं इन लोगों को तब तक देखता हूँ। हाँ ये लोग तो मुझ पर ही अटैक कर रहे हैं। चलो चलो इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ओके मेरे पास अभी है, अब तुम लोग इससे बच के दिखाओ। चलो 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 इससे बच के दिखाओ। ओके अब ये लो गाइस, ये लोग बताता हूँ मैं, अभी लोग तैयार हो जाओ। ये ओके बहुत सही गाइस, ये तो कमाल हो गया भाई, इसको तो मैंने ऊपर ही जमा दिया क्या। ओके अब चाहे लोग पीछे गिरे। जादू तुम्हें शिनचैन की स्पेसशिप मिली? हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं उसके पीछे ही हूँ। हाँ उसके पीछे लगे रहो। भाई ये बचा हुआ है और ये गया, भाई गया कि नहीं? भाई ये तो बहुत ताकतवर है, मुझे लगता है ये इसका बॉस हो सके।
चलो चलो देखते हैं अंदर छुपा तो नहीं है। हाँ यही अभी बचा हुआ है। गाइस यार इसके लिए तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, अब मैं अपनी सबसे बड़ी पावर्स यूज करने जा रहा हूँ गाइस यार इसको हराने के लिए। ये लोग गाइस यार, चलो लगता है ये हार गई। ओके चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर गाइस यार जादू उम्मीद करते हैं कि शिनचैन को बचा लिया होगा। अरे फ्रैंकिन भैया, वो लोग की एक स्पेसशिप जो एरोप्लेन के रूप में जा रही है, आपको रोकना पड़ेगा। भाई ये वाली है क्या? अबे यार कहाँ गया कहाँ गया गाइस यार, ये एरोप्लेन है क्या? देखता हूँ गाइस यार। ओके ये लो भाई साहब, लगता है यही है गाइस, हमें रोकना पड़ेगा, शिनचैन को बचाना पड़ेगा। शायद मैं ऐसा कर पाऊँ। रुक जा रुक जा रुक जा। ओके अरे फ्रैंकिन भैया, हम लोग गिर रहे हैं। जादू जल्दी से शिनचैन को बचा लो। आप फ्रैंकिन भैया, मैं शिनचैन को बचा रहा हूँ। ठीक गाइस यार, आखिरकार शायद हम लोग का मिशन अब कामयाब हो जाएगा और यार हम लोग बच जाएंगे। ऊपर से मेरे ऊपर से एक प्लेन भी गिर रही है जो लोग की स्पेसशिप थी। ओके गाइस यार, इनकी स्पेसशिप तो कोई ग्रुप ले सकती थी, तो इसने एरोप्लेन बना लिया ताकि मैं इसे पकड़ ना पाऊँ। लेकिन फाइनली गाइस यार हम लोग ने मिलकर पकड़ लिया और शिनचैन को भी बचा लिया। हेलो फ्रैंकलिन भैया, ध्यान से सुनो, शिनचैन चॉप और उसके बाकी दोस्त मेरे साथ है। अब मैं उनको आपके घर ले जा रहा हूँ। ओके जादू यार, जादू तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प किया। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ये क्या कह रहे हो? चलो गाइस यार, अपना मिशन तो हो गया और हम लोग अब यहाँ